Hey, what's up guys, welcome to my channel. इस वीडियो में आपको सिखानी हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना 13 और 91 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब एलसीएम स्टार्ट करते हैं, हम पहले 2 को कंसीडर करते हैं कि 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो देखिए, हमारे पास लास्ट डेट चेक करें 3 और 1 है, तो ये तो ऑड नंबर्स हैं। तो 2 लेने के लिए ये रूल होता है, लास्ट डेट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, हमारे पास तो 3 और 1 है। इसका मतलब ये दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, इवन नहीं है। हम 2 नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके लिए देखें, 3 के लिए ये रूल होता है हमारे पास कि हम डिजिट्स प्लस करते हैं। प्लस करके अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 के टर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 और 1 तो यहाँ तो 4 आता है, इसको प्लस करें तो 9 और 1 10 आता है। तो ना तो 3 के टर्म में 4 आ रहा है, ना तो 10 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 3 भी नहीं यहाँ पे लेंगे। और 5 के लिए ये होता है हमारे पास रूल, लास्ट डेट 0 हो या 5 हो, तो ये तो 3 और 1 है, मतलब 5 भी नहीं लेंगे। अब 7 में देख लेते हैं, 7 के लिए क्या रूल होता है, लास्ट डिजिट में उसी को प्लस करना होता है, प्लस करके रिमेनिंग को माइनस कर देना। अगर तो कोई माइनस करके ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 7 के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे 7 ले सकते हैं हम। तो देखिए, 3 में 3 प्लस करें क्या आता है, 6 में से 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास तो 5 आता है, तो 7 के टेबल में तो 5 नहीं आता। इसी तरह इस पर अप्लाई करें कि हमने 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, 2 में से 9 मतलब रिमेनिंग को माइनस किया तो 7 आ गया, 7 के टेबल में 7 आ जाता है। इसका क्या मतलब है, ये तो 7 के टेबल में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो आ रहा है, एक नंबर भी आ रहा है, तो आपने ले लेना 7, ठीक है। क्योंकि हमने देखा 2, 3, 5 में तो नहीं आ रहा था इन दोनों से कोई नंबर भी, लेकिन 7 में ये नहीं आ रहा, लेकिन ये आ रहा है, तो हमने इसलिए 7 ही ले लेना है, ठीक है। एक नंबर भी आ रहा तो वो ही ले लेना है, जैसे 7 के टेबल में ये तो हो सकेगा ना, इसलिए हमने 7 ही ले लिया। 7 के टेबल में 13 नहीं आता, 14 आता, 13 नहीं आता, तो 13 का 13 वैसे ही लिख लें। 7 के टेबल में 91 कैसे आता है, देखें 7 के टेबल में 9 आता है, नहीं 9 से छोटा 7 ही आता है, तो हमने कट करके 7 बना लिया। 7 के टेबल में 7 आ गया 1000, 9 था कट होकर 7 बना, तो इसका 2 कहाँ चला गया, इधर ये बन गया 21। 7 के टेबल में 21 आ गया 3000, तो ये बन गया 13, दोनों 13 बन गए। इसका क्या मतलब है, 13 एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये अपने टेबल में ही आएगा, तो 13 कर लेंगे, यहाँ भी 1। और हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 13, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 7 3 21, 1 इधर और 2 कैरी, 7 7 7 में 2 प्लस करें तो क्या आता है 9, तो 91 आ गया। तो आपको पता चला कि हमने एलसीएम फाइंड आउट किया किस किस का, 13 और 91 का, और आंसर क्या आ गया हमारे पास, 91 आ गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।